एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, रात में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की गश्त, अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। हाई अलर्ट पर पुलिस अधीक्षक विवेक चहल का बयान भी सामने आया है। पंजाब का सीमांत होने के नाते पुलिस सतर्क नजर आ रही है। अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी है। रात में ये सुरक्षा गश्त बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक चहल का बयान सामने आया। पंजाब का सीमांत होने के नाते पुलिस सतर्क नजर आ रही है। अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी है। रात में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब का सीमांत होने के नाते पुलिस सतर्क नजर आ रही है। अमृतपाल को लेकर ये हाई अलर्ट, रात में गश्त बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की, तो वहीं अनजान लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं रात में गश्त भी बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की, अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। किन्नौर से अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार हिमाचल में हाई अलर्ट जारी है सुरक्षा बलों की, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो पंजाब में अमृतपाल नामक जो व्यक्ति, जो खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, ऐसा जो किन्नौर पुलिस ने जो पिछले कल भी यहाँ पर जो होटल सराय भवन है और जो भी गेस्ट हाउस है वहाँ पर रेड लगाई थी, ताकि जो है, क्योंकि ये जो जिला किन्नौर है, उत्तराखंड, लाहौल स्पीति और बहुत सारे जो चीन के सीमांत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल जो है इस क्षेत्र में आया हो सकता है जी। इसलिए जो है किन्नौर पुलिस ने यहाँ पर जो है गश्त भी बढ़ा दी है और जो भी बाहर से अनजान जो व्यक्ति आ रहा है या फिर वाहन आ रहे हैं उनको जो है चेकिंग की जा रही है, ताकि जो है संदिग्ध जो है व्यक्ति है उनकी जो है पहचान की जा सके। लगातार ये जो किन्नौर जिला है, तमाम जो इलाका है, ये जो है बहुत सारे जिलों से लगता है, बहुत सारे अन्य जो प्रदेशों से लगता है, खासकर जो उत्तराखंड की सीमा है, उत्तराखंड में जिस प्रकार से अलर्ट है, पंजाब में अलर्ट है, हरियाणा में अलर्ट है और हिमाचल का जो किन्नौर जिला है, यहाँ से भागने की जो है बहुत सारे रास्ते, इसलिए जो किन्नौर पुलिस ने तमाम जो इलाके को जो है अलर्ट जारी कर जगह जगह जो है पुलिस तैनात हो चुकी है और आते जाते लोगों से जो लगातार पूछताछ की जा रही है जी। ऐसा है कि क्या अमृतपाल के समर्थक की भी पहचान हो पाई है अनिल? फिलहाल जो किन्नौर जिला में इस तरह का जो है कोई भी मामला अभी तो सामने नहीं आया है। एसपी किन्नौर जो विवेक चहल है, उनका यही कहना है कि किन्नौर जिला में जो है जो बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पर पुलिस तैनात नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे मार्ग है जो उत्तराखंड से टच होते हैं और उत्तराखंड को जाने के लिए जो रास्ते हैं बहुत सारे इजी है, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड से किन्नौर आ जाए और किन्नौर से जो स्पीति के बाद जो है लेह लद्दाख और जो आपका जो तिब्बत और चाइना का जो बॉर्डर है वहां से जो है कहीं दर्रे ऐसे है जहाँ से आवाजाही हो सकती है। तो इस वजह से जो है किन्नौर पुलिस ने जो है अपनी गश्त और जो है फोर्स को जो है जगह जगह तैनात किया है। हालांकि जो किन्नौर जिला है ये जो चीन सीमांत लगता है, तो जो पहाड़ी इलाके वहां पर आईटीबीपी और आर्मी के जो जवान तैनात है, खासकर जो मिडल वाला जो एरिया है, मैं आपको बता दूं यहां से जो भागने की ज्यादा आशंका हो सकती है, इसलिए पुलिस जगह जगह तैनात हो चुकी है जी। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के सीमांत क्षेत्रों की गश्त बढ़ा दी गई है, लगातार पुलिस अलर्ट पर है। अमृतपाल को लेकर रात में गश्त बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की, अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। विवेक चहल का बयान सामने आया है, पुलिस अधीक्षक हैं विवेक चहल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी है,